रूपाली बहुत ही सुंदर और चुलबुली लड़की थी जिसे बर्फ खाने का बहुत शौक था। चाहे गर्मी हो या सर्दी, वो कभी भी बर्फ खाना नहीं छोड़ती थी। उसके परिवार में उसकी मम्मी प्रियंका और पापा उमेश और उसका छोटा भाई राज रहा करते थे। ऐसे ही एक दिन वो शॉपिंग करके घर लौटती है और उसे बहुत गर्मी लगने लगती है, जिसके बाद वो फ्रिज खोलकर पानी की बोतल निकाल ही रही होती है कि उसकी नजर ऊपर की तरफ रखे बर्फ के क्यूब्स पर पड़ती है और वो उन्हें निकाल कर खाने लगती है। ये देखकर राज जोर जोर से प्रियंका को आवाज लगाता है, मम्मी जल्दी आओ, देखो रूपाली दीदी कैसे फ्रिज में से बर्फ खुरच खुरच के खा रही है। राज के बच्चे, तुझे आज मैं छोड़ूंगी नहीं, कच्चा जब आ जाऊंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मम्मी को बताने की, तेरी तो तूने मेरा सर फोड़ दिया, अब तू देख। आने दे मम्मी को। तभी वहाँ प्रियंका आती है। अरे क्या हो गया तुम दोनों को, क्यों कुत्ते बिल्ली की तरह झपट्टे मार रहे हो? सॉरी मम्मी, ये हमेशा ही मुझे तंग करता रहता है, नलायक सा। नहीं माँ, मैं नहीं बल्कि ये खुद बर्फ निकाल के खा रही थी। अरे तू नलायक बेशरम, फिर से बर्फ खा रही है। अरे तुझे कितनी बार समझाऊं कि बर्फ मत खाया कर, मर जाएगी। अब ना मैं तेरी शादी करवा दूंगी, देख लेना, और लड़का है ना कश्मीर से लेकर आऊंगी, जो तुझे वादियों में ले जाएगा, वहाँ बैठ के ना गोले बना बना के बर्फ खाइयो। कुछ दिनों बाद प्रियंका के पास रूपाली के लिए कन्हैया नाम के एक सुंदर और अमीर लड़के का रिश्ता आता है। कन्हैया अपनी विधवा माँ संतोष के साथ उनके घर आता है। कन्हैया को पहली ही नजर में रूपाली पसंद आ जाती है और दोनों परिवार वाले उनका रिश्ता पक्का कर देते हैं। शादी के बाद रूपाली अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियाँ बहुत ही अच्छे से संभालती है। ऐसे ही एक दिन संतोष अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, घर पर बहुत सालों बाद मेहमान आने वाले हैं, तो तू कुछ अच्छा सा बना दियो और ठंडा शरबत जरूर बना लियो। जी माँ जी। और हाँ, बर्फ जमाने के लिए रख दियो फ्रिज में, शरबत में डाल कर दे देंगे, गर्मी बहुत ज्यादा है ना। अरे माँ जी, चिंता चिता समान है, आप चिंता मत करो, मैं सब काम कर दूंगी बढ़िया से एकदम। कुछ देर बाद मेहमान घर पर आते हैं। सास बहू दोनों मिलकर उनका अच्छे से स्वागत करती हैं। तभी संतोष बोलती है, जी ये मेरी बहू रूपाली है, बहू ये सब मेरे पीहर की तरफ से हैं। जी नमस्ते आप सभी को। खुश रहा बेटा। बहू जा, इनके लिए पहले कुछ ठंडा लिया, बहुत दूर से आए हैं, गर्मी है ना। जी माँ जी। रूपाली उनके लिए जग से शरबत गिलास में डालती है और फ्रिज से बर्फ निकाल कर ग्लास में डालने जा ही रही होती है कि तभी, क्या करूं, इतनी बर्फ देखकर तो मेरा खुद पर काबू ही नहीं हो पा रहा। एक काम करती हूँ, थोड़ी सी खा लेती हूँ, फिर जो बचेगी उसे शरबत में डाल देती हूँ। भाई कितनी ठंडी है, मुँह में जाते हुए मजा ही आ गया। ऐसे ही एक एक करके रूपाली सारी आइस क्यूब्स खा जाती है और बस चार ही बर्फ आइस क्यूब्स बचती है, जिसे वो एक एक गिलास में डाल देती है और जाकर शरबत मेहमानों को देती है, जिसे पीकर वो लोग बुरा सा मुंह बना लेते हैं। छी, इतना घटिया शरबत मैंने आज तक नहीं पिया। ए संतोष, तना अपनी बहुताएं कुछ ना सिखाया के, इतनी सड़ी गर्मी में इंसान ईसा शरबत पीवेगा। संतोष को बुरा भला सुनाकर मेहमान वहाँ से चले जाते हैं। तभी संतोष अपनी बहू को बोलती है, अरे ओ नास पीटी करम जली, तुझसे तो एक काम भी ठीक से नहीं होता, कहा था ना तुझे कि बर्फ डाल के लाइयो शरबत में, कहाँ गया बर्फ? अब वो माँ जी, मैं बर्फ निकाल रही थी तो अचानक से मेरे हाथ से ट्रे स्लिप हो गई और सारी बर्फ जमीन पर गिर गई। वक्त बीतता जाता है और रूपाली छुप छुप कर फ्रिज की सारी बर्फ खा जाती है, जहाँ तक कि जब घर पर कोई नहीं होता तो वो मार्केट से बर्फ लाकर खाने लगती है। ऐसे ही एक दिन वो अपने कमरे में बैठी आइस क्यूब बाउल में डालकर बड़े ही मजे से खा रही होती है कि तभी उसकी सास उसे ढूंढते हुए उसके कमरे की तरफ आने लगती है। अपनी सास को आता देख रूपाली जल्दी से बर्फ का बाउल
बेड के नीचे छुपा देती है और एक क्यूब अपने मुंह में डाल लेती है जिससे वो जल्दी से चबा नहीं पाती। तभी उसकी सास वहाँ पर पहुंचकर बोलती है, अरे कब से तुझे ढूंढ रही हूँ और यहाँ क्या कर रही है अकेले बैठकर? जरा मुंह तो दिखा, क्या है तेरे मुंह में, क्या खाया जा रही है अकेले बैठकर? कुछ भी तो नहीं माजी। मुंह खोल, जल्दी मुंह खोल के दिखा अपना नासपीटी। जैसे ही रूपाली अपना मुंह खोलती है तो उसकी सास संतोष उसके मुंह में बर्फ देख लेती है और बोलती है, अरे निर्लज कल मुंह ही कहीं की, ये क्या खाए जा रही है तू? ये कोई खाने की चीज है क्या जो बच्चों की तरह यहाँ बैठ के खाए जा रही है? बर्फ क्यों खा रही है, खाना खा ले। वो मम्मी जी क्या हुआ ना कि मैंने पास्ता बनाया था उसमें मिर्ची ज्यादा हो गई तो मेरा मुंह जल रहा था इसलिए मैंने बर्फ खा ली। अरे झूठ मत बोल मुझसे, मुझे सब पता है कि फ्रिज की सारी बर्फ तू ही खा जाती है। अरे पेंगुइन है क्या तू? इतना कहकर संतोष वहाँ से चली जाती है। रूपाली फ्रिज के अंदर जाकर देखती है तो वहाँ कोई बर्फ नहीं होती लेकिन फ्रीजर के अंदर की तरफ बर्फ जमी होती है। तो वो उस बर्फ को निकालने के लिए चाकू का सहारा लेकर खुरचने लगती है और सारी बर्फ बाउल में डाल लेती है जिसे बड़े ही मजे से खाने लगती है। ऐसे ही रूपाली की आदत दिन पर दिन बढ़ती जाती है, यहाँ तक कि जब उसे प्यास लगती तो वो बर्फ चूसा करती। ऐसे ही करते हुए एक दिन वो बेहोश होकर गिर जाती है। संतोष और कन्हैया उसे ऐसे देखकर जल्दी से हॉस्पिटल ले जाते हैं और डॉक्टर से उसका इलाज करवाते हैं, जिसके बाद डॉक्टर बोलते हैं, मिस्टर कन्हैया आपकी वाइफ ने जोर से ज्यादा आइस खा ली है जिसकी वजह से उनकी बॉडी में पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई है और ब्लड की कमी भी हो गई है। अब हमें उन्हें ब्लड चलाना होगा, आप उनके ब्लड का इंतजाम कर दीजिए। सर ब्लड ग्रुप? ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव। डॉक्टर संतोष और कन्हैया का ब्लड टेस्ट करते हैं और संतोष का ब्लड रूपाली के ब्लड से मैच हो जाता है। वो जल्दी से अपनी बहू को ब्लड देकर बाहर आती है और कुछ घंटे यूं ही बीत जाते हैं जिसके बाद रूपाली को होश आता है जिसे देखकर कन्हैया और संतोष दोनों ही बहुत खुश होते हैं। तभी कन्हैया रूपाली से बोलता है, रूपाली डॉक्टर कह रहे हैं कि तुमने बहुत सारी बर्फ खाई है, सच बताओ क्या बात है? मुझे माफ कर दीजिए कन्हैया जी, मुझे शादी से पहले ही बर्फ खाने की बहुत बुरी आदत थी। यहाँ आने के बाद भी मैं बर्फ खाती रही, माजी ने मुझे मना भी किया था पर मैंने उनकी बात नहीं मानी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वो दोनों रूपाली को माफ कर देते हैं। ऐसे ही कुछ समय बाद रूपाली बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो बर्फ खाना भी हमेशा के लिए छोड़ देती है, साथ ही अपने घर की सारी जिम्मेदारियां एक बार फिर से बखूबी निभाने लगती है जिसके बाद सभी लोग एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये बर्फ खाने वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे बर्फ खाने का इतना ज्यादा शौक हो? अगर हाँ तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए।